बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस जो हैं उनके डेरिवेटिव्स फाइंड करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रूव करेंगे साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव इक्वल होता है 1 ओवर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको पता है जिस रकम का हमने डेरिवेटिव लेना होता है सबसे पहले हम उसको y का नाम दे देते हैं। तो हमने लिख दिया लेट y इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x। अब इस इनवर्स फंक्शन को हम लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या होगा, इनवर्स यहां से खत्म हो जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा x। तो x हमने लिखा और ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक y। तो अब ये इक्वेशन 1 हमने से क्या दिया, इसको हम यूज करेंगे आगे जाकर। तो हमने क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमने लिख दिया डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस एक्स का डेरिवेटिव इज द साइन हाइपरबोलिक वाई का डेरिवेटिव हमने लिख दिया। एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपको पता है 1 होता है, 1 लिखा हमने। और साइन थीटा, साइन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स। तो वही हमने लिखा डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स बराबर होता है कॉस हाइपरबोलिक एक्स। साइन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव कॉस हाइपरबोलिक एक्स होता है। हमने इसकी जगह वो लिख दिया। अब यहां पर वाई लिखा हुआ है तो फॉर्मूले के मुताबिक एक्स होता है, यानी कि स्टैंडर्ड से हटकर कोई चीज है यहां पर, तो हमने इस वाई का भी डेरिवेटिव लेना है। तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स। अब इस cos hyperbolic y को हमने इस साइन में चेंज करना है, तो यहां पर हमने ऐसा रिलेशन यूज करना है जिसकी मदद से ये cos hyperbolic y sin hyperbolic y में चेंज हो जाए। तो ये रिलेशन है हमारे पास, cos hyperbolic square x minus sin hyperbolic square x equal है 1 के। तो हमें cos को चेंज करना है तो इस साइन वाली रकम को राइट साइड पर ले जाएंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगी। और फिर क्या होगा, और उसके बाद स्क्वायर को खत्म करने के लिए रूट ले लेंगे। तो कॉस हाइपरबोलिक वाई की जगह हमारे पास क्या चीज बनेगी, 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स होल अंडर रूट। तो वो हमने लिख दिया। अब इस जगह पर साइन हाइपरबोलिक वाई किसके इक्वल है, एक्स के। तो इस साइन हाइपरबोलिक वाई की जगह हम एक्स लिख देंगे। ये डी वाई बाई डी एक्स सेम आ गया, हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स। तो इस चीज से डिवाइड कर देंगे तो ये रकम लेफ्ट साइड पर आ जाएगी, तो क्या आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमने प्रूव कर दिया साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव इक्वल होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल अंडर रूट। अब हम प्रूव करेंगे कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव इक्वल होता है 1 ओवर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो सबसे पहला काम, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव हमने मालूम करना है उसको क्या करेंगे, y के बराबर ले लें। तो वही किया हमने यहाँ पर, गिवन फंक्शन को y के बराबर ले लिया। अब इस इनवर्स फंक्शन को जब हम लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो यहां से इनवर्स खत्म हो जाएगा, cos hyperbolic y वो आ गया और ये वाला x अलग हो गया। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव बोथ साइड पर अप्लाई हो गया, इस x का डेरिवेटिव 1 हो गया। आपको पता है जब हम x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करते हैं तो वो 1 होता है। और cos hyperbolic y जो है इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, sin hyperbolic y, क्योंकि हमें पता है cos hyperbolic x का डेरिवेटिव sin hyperbolic x होता है। और अब यहां पर स्टैंडर्ड में x होता है, इधर y है, तो नॉट y x है, इसलिए इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy / dx। अब इस साइन वाई को, साइन हाइपरबोलिक वाई को हमने कॉस हाइपरबोलिक वाई में चेंज करना है और फिर ऐसा रिलेशन यूज करना है जिसमें साइन और कॉस हाइपरबोलिक फंक्शंस दोनों मौजूद हों। ये फार्मूला है हमारे पास। तो हमने साइन वाले फंक्शन को लेफ्ट साइड पर रखा और इस कॉस वाले को राइट साइड पर ले गए। उसके बाद इस माइनस को खत्म करने के लिए माइनस 1 से बोथ साइड पर मल्टीप्लाई कर दिया, ये प्लस हो जाएगा। माइनस 1 से मल्टीप्लाई होने की वजह से ये भी प्लस हो जाएगा और ये 1 जो है माइनस 1 हो जाएगा। अब यहां पर हम
साइन हाइपरबोलिक y की वैल्यूज के मुताबिक लिख सकते हैं, cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस वन, क्योंकि यहाँ पर साइन हाइपरबोलिक y है, यहाँ पर स्क्वायर था, स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमें बोथ साइड पर रूट अप्लाई करना पड़ेगा, वो हमने कर दिया। अब इस cos हाइपरबोलिक x की जगह यहाँ से सॉरी y है, यहाँ पर cos हाइपरबोलिक y, अब इस cos हाइपरबोलिक y की जगह हम क्या लिख देंगे, x, तो यहाँ पर x आ गया, स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस वन। अब इस रकम को लेफ्ट साइड पर ले जाएंगे तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन होल अंडर रूट। तो ये रिजल्ट था जो हमने प्रूव करना था, यही हमने प्रूव करना था कि कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव इक्वल होता वन ओवर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। हम प्रूव करते हैं tan हाइपरबोलिक इनवर्स x का डेरिवेटिव इक्वल होता है 1 ओवर 1 माइनस x स्क्वायर। तो सबसे पहला काम, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है उसको y का नाम दे देंगे, तो इसको हम y का नाम देंगे, यहां पर हमने लिख दिया y इज इक्वल टू tan हाइपरबोलिक इनवर्स x। अब इस इनवर्स फंक्शन को जब हम लेफ्ट पर शिफ्ट करेंगे तो यहां पर जाएगा x, वो लिख दिया हमने, ये हो जाएगा tan हाइपरबोलिक y, शिफ्टिंग की वजह से क्या होगा, इनवर्स खत्म हो जाएगा। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये एक्स का डेरिवेटिव आ गया, टेन हाइपरबोलिक वाई का डेरिवेटिव आ गया। एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन होता है, और टेन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव हमें पता है सेकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स होता है, ये टेन हाइपरबोलिक वाई का डेरिवेटिव सेकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई हो गया। अब इस जगह पर वाई है, स्टैंडर्ड के मुताबिक x होता है, तब ये नॉट x है, नॉट x है तो उसको हम डेरिवेटिव लेते हैं, तो y का डेरिवेटिव dy by dx हो गया। अब इस secant को हमने tan में चेंज करना है, यानी कि ऐसा रिलेशन यूज करना है हमने जिसमें secant और tan दोनों मौजूद हों। तो ये फार्मूला है हमारे पास, secant hyperbolic square x इक्वल होता है 1 माइनस tan hyperbolic square x के। अब ये फार्मूले भी आपको याद होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछे जा सकते हैं, आमतौर पर ये फॉर्मूले आपको याद नहीं होते। तब इसकी जगह सेकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर के वाई की जगह हमने क्या लिख दिया, वन माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। अब टेन हाइपरबोलिक वाई की जगह यहां से क्या आ जाएगा, एक्स, वो हमने लिख दिया, एक्स का स्क्वायर हो गया स्क्वायर की वजह से। अब हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो इस रकम से डिवाइड कर देंगे तो लेफ्ट साइड पर क्या बन जाएगा हमारे पास, वन ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल हो गया वन ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमने प्रूव कर दिया टेन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव इक्वल होता है वन ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर। आइए अब हम कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का प्रूफ देखते हैं। हमने प्रूव करना है कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो इक्वल होता है वन ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं -1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन, यहां से निकालने माइनस हमने कॉमन ले लिया तो ये चीज बन जाएगी। तो ये ऑब्जेक्टिव का पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज भी आपसे पूछी जा सकती है, ऑब्जेक्टिव का पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो हमने जिस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना था उसको वाई का नाम दे दिया, अब इस इनवर्स को शिफ्ट कर दिया लेफ्ट साइड पर तो ये खत्म हो जाएगा, कॉट हाइपरबोलिक वाई इक्वल हो जाएगा एक्स के। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो हमने किया, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन होता है, कॉट हाइपरबोलिक वाई का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई हो जाएगा, और इस वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाय डी एक्स, क्योंकि ये फॉर्मूला हमें पता है कॉट हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव इक्वल होता है माइनस कोसेकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। तो यहां पर क्योंकि x नहीं है उसके अलावा रकम है, इसलिए उसका डेरिवेटिव आ गया। अब ये रकम जो है इसमें कोसेकेंट है, यहां पर यहां हमारे पास है कॉट। अब हमने ऐसा फॉर्मूला यूज करना है, ऐसा रिलेशन यूज करना है जिसमें कॉट और कोसेकेंट दोनों मौजूद हो। तो ये कोसेकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x इक्वल होता है कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस वन। तो ये फॉर्मूला है, ये भी आप लोगों को याद नहीं होता, याद होना चाहिए। ये अब यहां पर इसकी जगह हमने लिख दिया, अब क्या होगा, इस कॉट हाइपरबोलिक वाई की जगह यहां से हम एक्स पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब हम इस रकम को लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर देंगे तो ये वन ओवर वन के डिनोमिनेटर में आ जाएगा,
और इस माइनस की वजह से ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस वन हो जाएगा, यानी कि वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा जब हम इस माइनस को अंदर शिफ्ट करेंगे। तो वो हमने कर दिया। तो इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया कार्ट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव इक्वल होता है वन ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम प्रूव करते हैं सेकेंड हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव इक्वल होता है माइनस वन ओवर एक्स इंटू रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। जिस रकम को हमने डेरिवेटिव मालूम करना है उसको हमने वाई का नाम दे दिया। ये देख लें इसका सेकेंड हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव हमने मालूम करना है इसलिए उसको वाई का नाम दिया। अब इस इनवर्स को खत्म करने के लिए सेकेंड हाइपरबोलिक इनवर्स है, ये खत्म करेंगे तो लेफ्ट साइड पर शिफ्ट होगा वाई के साथ आ जाएगा सेकेंड हाइपरबोलिक वाई और ये वाला एक्स लेफ्ट साइड पर आ गया। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हमने डेरिवेटिव लिख दिया, एक्स का डेरिवेटिव वन हो गया, सेकेंड हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव बराबर होता है माइनस सेकेंड हाइपरबोलिक एक्स टेन हाइपरबोलिक एक्स। ये फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए। तो यहां पर वही फार्मूला लिखा हमने, सेकेंड हाइपरबोलिक वाई बराबर हो गया माइनस सेकेंड हाइपरबोलिक वाई इंटू टेन हाइपरबोलिक वाई। अब यहां पर स्टैंडर्ड में एक्स होता है, यहाँ पर है नॉट एक्स यानी कि एक्स नहीं है, तो इसलिए वाई का डेरिवेटिव हम लेंगे डी वाई बाय डी एक्स। अब डेरिवेटिव वाला काम हमारा खत्म हो गया है। अब हमें यहां पर सेकेंट वाई को यूज करना है, तो ये जो टेन वाई है इसको हमने सेकेंट वाली शक्ल में लाना है, यानी कि ऐसा रिलेशन ऐसा फार्मूला हमने यूज करना है जिसमें सेकेंट और टेन दोनों मौजूद हो। ये वो रिलेशन है सेकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बराबर होता है वन माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। तब हम इस tan hyperbolic square x को लेफ्ट साइड पर ले जाते हैं, इस secant को राइट साइड पर ले जाते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा tan hyperbolic square x equal है 1 minus secant hyperbolic square x। तो इस tan hyperbolic y की जगह हम क्या ले सकते हैं 1 minus secant hyperbolic square y under root और ये वाला dy by dx आ गया। तो इसको यूज करते हुए ये वाली चेंज आ गई है। अब secant y किसके बराबर है x के, तो यहाँ भी x आ जाएगा यहाँ भी x आ जाएगा, वो हमने लिख दिया। अब हमें तो चाहिए dy by dx, तो इस रकम से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड पर, तो dy by dx क्या हो जाएगा माइनस वन ओवर x इंटू रूट ऑफ वन माइनस एक्स के। इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया secant hyperbolic inverse x का डेरिवेटिव इक्वल होता है माइनस वन ओवर x इंटू रूट ऑफ वन माइनस एक्स के। अब हम प्रूव करते हैं कोसेकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव इक्वल होता है माइनस वन ओवर एक्स इंटू रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर। जिस रकम का हमने डेरिवेटिव फाइंड करना होता है उसको हम वाई का नाम देते हैं। तो यहाँ पर हमने कोसेकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स को वाई का नाम दे दिया। अब इस को लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो इनवर्स खत्म हो जाएगा, कोसेकेंट हाइपरबोलिक वाई इक्वल हो जाएगा एक्स के। अब हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इस एक्स का डेरिवेटिव वन हो जाएगा और कोसेकेंट हाइपरबोलिक वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस कोसेकेंट हाइपरबोलिक वाई कॉट हाइपरबोलिक वाई और फिर इस वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स। क्योंकि हम फार्मूला जानते हैं कोसेकेंट हाइपरबोलिक एक्स बराबर होता है माइनस कोसेकेंट हाइपरबोलिक एक्स कॉट हाइपरबोलिक एक्स के, तो यही फार्मूला हमने यूज किया और इस वाई का डेरिवेटिव लिखा हमने डी वाई बाय डी एक्स, क्योंकि स्टैंडर्ड में एक्स होता है और आपको पता है जब नॉट एक्स हो तो हम उसकी जगह डेरिवेटिव लिखते हैं नॉट एक्स वाली रकम का। तो अब यहां पर ये कॉट वाई है हमारे पास कोसेकेंट वाई हाइपरबोलिक वाई है ना, तो अब हमने कॉट हाइपरबोलिक वाई को कोसेकेंट हाइपरबोलिक वाई वाली शक्ल में लिखना है। इसका मतलब अब हमने ऐसा फार्मूला या ऐसा रिलेशन तलाश करना है जिसमें कॉट हाइपरबोलिक एक्स और कोसेकेंट हाइपरबोलिक एक्स दोनों मौजूद। तो ये वो रिलेशन है कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स सॉरी कोसेकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल होता है कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस वन के। तो अब हमने यहाँ से कॉट की वैल्यू निकालनी है, तो इस वन को हम लेफ्ट साइड पर ले आते हैं, तो ये यहाँ क्या बन जाएगा कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स और ये वन लेफ्ट साइड पर अगर प्लस हो जाएगा तो वन प्लस कोसेकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो इस कॉट हाइपरबोलिक वाई की जगह हम क्या लिख देंगे वन प्लस कोसेकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर y, ये dy by dx सेम आ गया। अब यहां से cosecant y किसके इक्वल है x के, तो इस cosecant y की जगह हमने x लिख दिया। अब ये 1 + x² बन गया यहां पर।
अब इस रकम से हम बोथ साइड पर डिवाइड कर देंगे ताकि डी वाई बाई डी एक्स अलग हो जाए, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया माइनस वन ओवर एक्स इंटू रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया आपको सेकेंड हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव इक्वल होता है माइनस वन ओवर एक्स इंटू रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर। आज हमने इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स फाइंड किए, और ये वो फार्मूलाज हैं जो आप लोगों को याद नहीं होते, इनको अच्छी तरीके से याद कर लेंगे ताकि जब आपसे एनुअल एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ये पूछे जाए आपको आते हों, क्योंकि ये वो फार्मूलाज हैं जो एक्सरसाइजेज में क्वेश्चंस में बहुत कम यूज होते हैं, और इसलिए कि आपको ये याद भी नहीं होते, लेकिन इनको याद करें अगर आप मैथ्स में पूरे नंबर लेना चाहते हैं। आज का लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।